जब लंका में राम और रावण के युद्ध में मेघनाथ की शक्ति जब लक्ष्मण भगवान को लगी, लक्ष्मण भगवान मूर्छित पड़ गए। जैसे ही लक्ष्मण भगवान मूर्छित पड़े, सारे युद्ध थम गया, सारे सैनिक आकर लक्ष्मण भगवान की सुध लेने लगे। भगवान राम ने लक्ष्मण भगवान को अपनी गोद में लिया और बालाजी को आदेश दिया, तुरंत जाओ और वेद जी को बुला कर लाओ। वेद जी आए, नाड़ी देखी, कहा इसका बचना असंभव तो नहीं कह सकता, पर कोई ऐसा हो जो सूर्य उदय से पहले द्रोणागिरी, हिमालय द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी लेकर आए, सूर्य उदय से पहले। भगवान राम रोने लग गए, आंखों में आंसू आए। कहा अपने छोटे भाई को साथ लेकर आया, अपनी पत्नी को लेने आया हूं और अपने भाई के प्राण देकर जाऊंगा, वहां जाकर अयोध्या में मुख क्या दिखाऊंगा, सुमित्रा से क्या कहूंगा, मैया से कहूंगा क्या कि तेरे पुत्र को सुरक्षित लाने का वचन दिया था और आज लंका में मेघनाथ के हाथों से शक्ति लगकर लक्ष्मण के प्राण निकल गए, ये कहूंगा। जैसे ही राम का एक आंसू धरा पर पड़ने से पहले बालाजी महाराज ने भगवान राम को प्रणाम किया, हनुमान जी महाराज ने, और कहा कि भगवान इस दास पर से आपका विश्वास उठ गया, अरे एक बार आदेश देकर देखो, आपके नाम का सहारा देकर देखो, ये द्रोणागिरी तो क्या दूर, अगर राम मेरे साथ है, मेरे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे, आज्ञा दे, तो मैं ब्रह्मलोक की प्रतीक्षा करके सूर्य उदय से पहले लौट आऊं। बोल बालाजी महाराज की। अरे आप संजीवनी बूटी की क्या बात कर रहे हो प्रभु, आप आशीर्वाद और आज्ञा देकर देखो, अगर रात भर में ब्रह्मलोक की प्रतीक्षा करके ब्रह्मा जी को लेकर आपके पास ना आऊं तो कह देना, वरना तुम्हारा दास नहीं। बालाजी महाराज का ये उत्साह देखकर भगवान राम को विश्वास हुआ कि ये जरूर मेरा काम करेगा, विश्वास दिलाया और भगवान राम के चरणों में बालाजी महाराज ने सौगंध खाई कि आपके चरणों की सौगंध खाकर जाता हूं, अगर सूर्य उदय से पहले वो संजीवनी बूटी आपके पास लाकर नहीं रखी तो ये हनुमान कभी आपको मुख नहीं दिखाएगा। बोल हनुमान जी महाराज की। चारों तरफ हनुमान जी का जयकारा लगा, सब वीर हनुमान जी महाराज की, महावीर की, बजरंगबली की, अंजनी सुत की, पवन सुत की, जयकारा लगा। भगवान बड़ा खुश हुआ और आशीर्वाद दियो, जा हनुमान विजय भव। हनुमान जी महाराज तूफान की गति सु बादलों ने चीरता हुआ द्रोणागिरी पर्वत के लिए रवाना हुआ, संजीवनी बूटी ने रवाना हुआ। गए पवन सुत लावे संजीवनी, अरे अब तक क्यों नहीं आए, सेनापति सुग्रीव पुकारे, ये नर वानर घबराए, सब लोक भयो सुनसान, ए हनुमान, सब लोक भयो सुनसान, तुझे श्री राम बुलाते हैं, आ लौट के आजा हनुमान, तुझे भगवान बुलाते हैं। हो बोल श्री बालाजी महाराज की जय हो।
दशरथ भगवान हे हनुमान, यूं रुदन करत है महान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आलाप के आजा हनुमान, तुझे भगवान बुलाते हैं। बीच समर में भगवान लक्ष्मण पड़े हैं, किसी का कोई चू नहीं, सन्नाटा, शमशान जैसी सन्नाटा छाया हुआ। सब चिंता में कि सूर्य उदय होने को आया है। बीत गई सब रैन घड़ी, अब भोर नहीं है बाकी। ये हनुमान पूरी रात निकल गई, जल्दी आ, आज अगर लक्ष्मण रहा, आज सूर्य उदय हो गयो तो आज सूर्य लक्ष्मण रो अस्त हो जावेला। बीत गई सब रैन घड़ी, भोर रही है बाकी। देख देख के राह तिहारी, बैर न किया था कि हनुमान थार सुहास लगा बैठा है सब। ओ कहीं उदे ना हो जाए भान, तुझे श्री राम बुलाते सामी आन लागी। भगवान हनुमान जी ने याद किया अंतर मन सु बजरंग बली, जल्दी आ लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सी उर लाए, रघुपति कीरी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भारत संभाई। बजरंग बली देखो कि अब तो कोई उपाय नहीं, उठाओ इस पर्वत को, आप देखे नी ताब, आप बल और बुद्धि रो प्रयोग करता बा पूरो द्रोणागिरी पर्वत आपरी भुजा रे माते धर, आ तूफान री गति सु सीधा लंका री छाती रे माते धरक दियो। बोल श्री बालाजी महाराज की जय हो। भगवान बड़ा खुश हुआ, वेद जी गया वो संजीवनी बूटी ला पिलाई, कयो हे लाए संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुवीर हरसी उर लाए,
बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भक्ति समाई अब प्रात समय जिनको आनंद आ रहा है और लक्ष्मण भगवान के जागृत होने पर खुशी एक बार ताली से सभी लोग साथ देंगे। ओ अब जाग उठे बलवान तुझे भगवान बुलाते हैं। अब जाग उठे बलवान तुझे श्रीराम बुलाते हैं। महावीर जब नाम सुना, आपको पता है हनुमान चालीसा में सूर्य की दूरी लिखी हुई है, को बता सकता है वो वाला? युग सहस्त्र जो जन पर भानु और लियो ताही मधुर फल जानु। जब नासा वालों ने देखा कि ये बात सत्य है कि नहीं है, तो उसमें लिखा हुआ है लगभग 14 करोड़ 90 लाख समथिंग कुछ, बिल्कुल सटीक वही दूरी निकली। एक बार जोरदार तालियों से ऐसे संतों का बोल, तुलसीदास जी महाराज की, श्री बजरंगबली महाराज की जय हो। ऐसा कहते हैं कि अकबर की कैद में थे उस वक्त बालाजी महाराज को तुलसीदास जी ने याद किया और अकबर की कैद में बैठे बैठे भगवान बालाजी महाराज स्वयं उस जेल के अंदर आए और ये सारी बातें उनको देखकर तुलसीदास जी महाराज ने लिखी, ऐसा कहते हैं। बोल तुलसीदास जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।